जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, आज हम एनर्जी के ऐसे पावर हाउस की बात करेंगे जिससे आपके शरीर में शक्तिशाली एंजाइम्स उपस्थित हो जाएंगे। आप अगर उसे खाएंगे तो कभी नहीं थकेंगे। आज हम बात करते हैं खजूर की। जी हाँ, खजूर में आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स, फास्फोरस और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सेहत के साथ स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का खजाना माने जाने वाले खजूर में मधुमेह से बचाव के भी गुण पाए जाते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। खजूर का सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों को भी बचाव करने में कारगर साबित होता है। तो चलिए विस्तार से इसके फायदे जान लेते हैं। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उन्हें खजूर खाने की सलाह दी जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जिससे पाचन क्रिया सही बनी रहती है। हर रात 4 खजूर पानी में डालकर रख दीजिए और सुबह उठकर इसे खाइए। आपको कुछ ही वक्त में फायदा नजर आने लगेगा। खजूर में विटामिन बी बालों को मजबूत बनाने के लिए कारगर होता है। इसके नियमित सेवन से झड़ते बालों की समस्या दूर हो जाती है। खजूर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है, इसलिए तुरंत ताकत के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है। 2 से 4 खजूर खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप अंडरवेट हैं तो खजूर का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें शुगर, विटामिन और कई जरूरी प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। खजूर त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खजूर खाने से चेहरे पर उभर आने वाली महीन रेखाएं समाप्त हो जाती हैं और त्वचा में निखार आ जाता है। खजूर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए फायदेमंद होता है। खजूर में कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर की मात्रा होती है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।